नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे देहात की आग के बारे में कि देहात की आग क्या होती है, किस कारण से लगती है और उस समय हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। देहात की आग। देखिए, जो देहात की आग होती है उस आग को हमें ग्रामीण क्षेत्र की आग के नाम से भी जानते हैं, गांव की आग। ठीक, इसके नाम से गांव की जो आग होती है उसके नाम से इसे देहात की आग को जाना जाता है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 80% जो जनसंख्या है वो कहां पे, इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर निवास करती है। बची 20% जनसंख्या शहर या फिर नगरों के अंदर पाई जाती है। अब ये 80% जो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, इसका कार्य होता है खेती पशुपालन करना, खेती वह पशुपालन करना। वो गांव के अंदर खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लगभग एक साल के अंदर 100 जो अग्निकांड होते हैं वो इन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। एक साल में लगभग 100 जो बड़े अग्निकांड होते हैं, वो कहां से, इन ग्रामीण क्षेत्र से, इन देहात के अंदर से हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो होता है देहात की आग। अब बात करते हैं कि किनके अंदर जो आग है वो देखने को मिलती है गांव के अंदर। सबसे पहले लिखेंगे घास फूस में, घास फूस के मैदान में। देखिए, ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं। जब भी हम पशुपालन वगैरह करते हैं तो उस दौरान उन पशुओं को खोल देते हैं, वो घास को खा करके और शाम के समय वापस अपने घर पे आ जाते हैं। अब वो जो बड़े बड़े जो मैदान है घास के, वो गर्मी के समय जब सूख जाते हैं तो उस दौरान उसके अंदर आग लग जाती है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो पॉइंट आता है कि घास फूस के जो बड़े बड़े मैदान होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उनके अंदर ये आग देखने को मिलेगी। दूसरा, इसमें अगर हम बात करें तो सब्जी की जो सूखी बेल होती है, जब हम कोई सब्जी वगैरह पैदा करते हैं तो उसको पैदा करने के पश्चात उस बेल को उखाड़ देते हैं और उसी खेत के कोने में हम क्या कर देते हैं, उसको इकट्ठा कर देते हैं और कुछ समय के पश्चात वो सूख जाती है, तो उस दौरान या तो कोई हाई वोल्टेज तार है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण, या कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह का गुल उसके अंदर चला जाता है, तो उस दौरान भी उसके अंदर आग लगना शुरू हो जाती है। तो यह भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक मुख्य पॉइंट है आग को लगने का, सब्जी की जो सूखी बेल होती है उनके का। तीसरा, अगर हम बात करें इसी में तो खड़ी फसल के अंदर भी देखने को मिलती है। जैसे हम गेहूं की खेती करते हैं, उस खेत के ऊपर से हाई वोल्टेज तार है, गर्मी के समय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ, ऊपर से चिंगारी उस खेत के अंदर गिरी, तो तुरंत जो गेहूं का खेत है वो उस आग को पकड़ लेता है। जो गेहूं है वो उसकी बाली वगैरह जो होती है वो तुरंत आग को पकड़ लेती है, इसके कारण जो आग है वो बहुत ही तेजी से उस खेत के अंदर फैल जाती है। तो ये जो आग है वो भी देहात के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। कौन सी,
खड़ी फसल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें तो सूखी सूखी फसल में, जब भी हमें सूखी फसल होती है, फसल को पकने के पश्चात उसको काट देते, काटने के पश्चात एक जगह पे हम क्या करते हैं तो उसको इकट्ठा करते हैं ताकि उसको निकाल सके। तो बहुत बार उसके अंदर भी, उसे खलियान के अंदर भी आग लग जाती, तो इसके कारण भी एक बड़ी जो आग की दुर्घटना जो है वो देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें इसी में तो आता है झुग्गी झोपड़ियों में, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर भी ये जो आग है वो देखने को मिलती है। जिस क्षेत्र के अंदर झोपड़ी झुग्गी वगैरह है, घास फूस के मकान है, तो वो खाना वगैरह पकाते तो उस दौरान वो घास फूस के जो मकान है, झुग्गी झोपड़ी है, वो आग को पकड़ देती, तो इसके कारण भी बहुत बार जो आग की दुर्घटना है वो देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। तो ये कुछ निम्नलिखित खान थे जिसके अंदर आग देखने को मिलती। अब बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जब आग लगती है तो उस समय हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना, कौन कौन सी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। सबसे पहले जो पॉइंट आता है, सूचना देरी से देना। सूचना देरी से देना, जब भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आग लगती है तो गांव के अंदर जब लगभग आधी आग लग चुकी होती है तो उस दौरान सूचना जो है वो फायर स्टेशन के ऊपर दी जाती है, क्योंकि जो सूचना दी जाती है फायर स्टेशन के नंबर जो इमरजेंसी जो कॉल नंबर जो होते हैं फायर के, वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नहीं पता होता है। तो इसके कारण जो सूचना फायर स्टेशन के ऊपर एक उचित समय के अंदर पहुंचनी चाहिए थी वो समय से देरी के अंदर पहुंचती है, इतने समय के अंदर वो जो आग है वो एक बड़ा रूप विराट रूप धारण कर। तो सबसे बड़ी जो समस्या इसके अंदर आती है सूचना देरी से पहुंचाना या मिलना। दूसरा आता है इसके अंदर सड़कों की समस्या। ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर सड़कों की भी समस्या जो है वो बहुत बार देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां पर उचित सड़कें नहीं है, सड़कों के अंदर गड्ढे हैं या फिर ऐसी छोटी छोटी ढानियां जिसको हम बोलते हैं गांव से कुछ हटके 10-20 मकानों की, तो उस ग्रामीण क्षेत्र से उस ढानियों के पास हम जाते हैं, आग की कोई दुर्घटना होती है तो उस समय भी बहुत बार हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस सड़क के कारण, क्योंकि सड़क अच्छी नहीं होगी तो उचित समय के अंदर हम नहीं पहुंच पाएंगे, और अच्छी सड़क होगी तो तुरंत हम उस स्थान के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यह कुछ समस्या है जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। तीसरा इसके अंदर आता है संचार व्यवस्था का उचित न होना। उपलब्ध ना होना, देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर बहुत सारा आज भी ऐसी जगह है जहां पर मोबाइल के टावर नहीं है, क्योंकि जब टावर ही नहीं होंगे तो फोन तो काम करना बंद कर दे। हम सूचना किसके माध्यम से देते हैं, तो इसी फोन के माध्यम से तो देते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यह समस्या जो है वो भी बहुत बार देखने को मिलती है, संचार की जो व्यवस्था है वो अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाती। फिर इसमें आता है पानी की व्यवस्था ना होना, पानी की उचित व्यवस्था ना होना। शहरी जो क्षेत्र है वहां पर कहीं पर भी जब भी आग लगती है तो हाइड्रेंट से तुरंत पानी लिया और आग को बुझाने का काम शुरू हो जाता है,
लेकिन ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके अंदर हमें नहीं पता होता है कि किस साइड में जोड़ है, तालाब है, झील है। और बहुत सारी ऐसी भी जगह होती है, ऐसी भी ढानियां होती है जहां पे कोई भी जोहड़, नदी, नहर, झील, तालाब वगैरह नहीं होता। तो उस समय आग को बुझाने के लिए हमें उचित पानी की आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन उस समय वो हमें नहीं मिल पा। तो इसके कारण भी जो आग है वो एक बड़ा रूप धारण कर लेता है और इससे हमें भी एक समस्या का सामना करना। तो ये है कुछ समस्याएं जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी है। अब हमें बात करते हैं कि आग के लगने के जो कारण है वो कौन कौन से, किस किस के कारण से आग लगती है। सबसे पहले इसके अंदर आता है आकाशीय बिजली के कारण। आकाश से बिजली गिरने के कारण, देखिए जो आसमान से जो बिजली आती है, गरजती है, तो उसी दौरान बिजली गिर जाती है तो भी आग पकड़ लेती है। तो यह भी बहुत बार समस्या हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बात करें तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण जो बिजली की हाई वोल्टेज वायर होती है वहां पे भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग की जो चिंगारी होती है, गुल होता है, वो नीचे गिर जाता है और तुरंत आग को पकड़ लेता है। तो ये भी बहुत बार देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो बहुत बार आपसी रंजिश के कारण भी आग लग जाती है। जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों एक ही साथ कोई काम करते हैं, एक व्यक्ति का जो काम है वो अच्छा चल रहा है, दूसरे का थोड़ा सा मंदा है। अब वो क्या काम करेगा, उसको कुछ आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो इसी कारण से वो जानबूझकर जो बीड़ी, सिगरेट के गुल होते हैं उसके फसल के अंदर डाल देता है, ठीक है, इसके कारण तुरंत आग लग जाती है। तो ये आपसी रंजिश के कारण भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आग देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो चूल्हा होता है उसके अंदर जली हुई लकड़ी को हम छोड़ देते हैं, जब भी हवा का झोंका आता है तो आग की जो चिंगारी है, गुल है, वो घास फूस के अंदर चला जाता है, तो उसके कारण भी जो दुर्घटना है वो बड़ी देखने को मिलती है। तो ये कुछ रीजन, कुछ कारण थे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो आग लगती है उसके, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।